हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं खरगोश के बारे में। तो खरगोश को किस तरह से पालना चाहिए या फिर उनकी जो मालूम होती है, कुछ जानकारी होती है, वो मैं जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, सबसे पहली बात है कि आपने खरगोश लाना है कैसे भी, जहाँ से आपके दोस्त के पास से हो गए या फिर पेट शॉप से गए भी मिल जाते हैं। और ये फार्मिंग रैबिट है दोस्तों, ये याद रखिए, आप जंगली खरगोश को ना पालें। मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप फार्मिंग के रैबिट्स को पालें। और दूसरी बात रहती है इसकी मेल फीमेल की पहचान कैसे करें। आपने तो जोड़ा ला लिया, तो पता नहीं आपको मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। मतलब कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपको फंसाने के लिए बंदा समझौता दोनों मेल देता है या फिर दोनों फीमेल देता है। देख सकते हो आप, सबसे बड़ी पहचान ये जो फीमेल है, इसका माथा थोड़ा छोटा है, जैसा थोड़ा छोटा है, और ये मेल है देखो, इसका तो चौड़ा है। ये रही बात, आप देख सकते हो, इनको पास पास रखो। देखो अब इसका जो मुंह थोड़ा छोटा रहता है और इसका तो सब बड़ा रहता है। देखो आप, ये हो गई इसकी मेल फीमेल की पहचान। और दूसरी बात, ये ब्रीडिंग कब करते हैं। इनका ब्रीडिंग करने का फिक्स टाइम नहीं रहता, जब ये एडल्ट हो गए, मेटिंग कर ले, तो ब्रीडिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। इनका पहली बार करते हैं मतलब 6 महीने से 7 महीने तक ये एडल्ट हो जाते हैं। अब मेरे पास जो पेयर है, इसने 2 दफ़ा ब्रीडिंग की है और तीसरी बार प्रेग्नेंट है। अभी फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है। इन्होंने मेरे पास अब तक 10 बच्चे दिए हैं। 10 बच्चे, पहली क्लास में 5 बच्चे दिए थे और दूसरी क्लास में 5 बच्चे दिए हैं। टोटल 10 बच्चे और ये दोनों, इस तरह से मेरे पास 12 खरगोश है। और रही बात की खाने की, तो आप इन्हें खाने के लिए क्या दे सकते हो। अब ये है पालक की सब्जी पड़ी है, ये जो है अपना भुट्टा है, भुट्टे के पत्ते हैं, फ्लावर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, मतलब जो भी अपन खाने के लिए। ये रोटी भी बड़े शौक से खाते हैं, हरा चारा है अपना, घास हो गया, मेथी की सब्जी हो गई, ये कुछ भी खा लेते हैं। और इनको पालने के लिए मैंने, आप देख सकते हो, 6 बाय 3 का, हाँ 6-7 बाय 3 का इनका एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर इनको रखा है। ज़्यादा धूप में भी ना रखें, मतलब ठीक है, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा धूप में नहीं, ऐसी जगहों पे रखें, ज़्यादा ठंडी भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये पैक है चारों तरफ से, आप देख सकते हो। अभी देखो काफ़ी मस्ती में जुड़ा है, एक फीमेल है, एक मेल है। तो चलो ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए जानवर के साथ, नए परिंदे के साथ, नए किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। सपोर्ट बनाए रखना।